आपसे हो तो आपको लगता होगा कि भाई पंजाब तो कनाडा जाते हैं, इसमें सोचना ही क्या है। पढ़ रहा था पहले तो मेरा कोई प्लान नहीं था कहीं भी बाहर जाना, और जो लोग बोलते थे कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे मतलब हंसी से आती कि भाई कोई फायदा नहीं आ रही, सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। सो हेलो एवरीवन, काफी लोग मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं कि मैंने कनाडा जाने का कैसे डिसाइड किया, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना के बता देते हैं कि मैंने कैसे डिसाइड किया। वैसे तो मैं पंजाब से हूँ तो आपको लगता होगा कि भाई पंजाब तो कनाडा जाते हैं, इसमें सोचना ही क्या है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। जब मैंने मतलब 11th 12th कर रहा था, जो कि मैंने बठिंडा से की, और मेरा स्कूल था KV, केंद्रीय विद्यालय अगर आपको पता होगा तो वहाँ पर मैं पढ़ रहा था। पहले तो मेरा कोई प्लान नहीं था कहीं भी बाहर जाना, और जो लोग बोलते थे कि मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे मतलब हंसी से आती कि भाई कोई फ़ायदा नहीं आ रही, इधर ही कर लो कुछ ना कुछ करके। तो पर जैसे ही मैंने 12th की ना, तो मतलब एग्ज़ाम होने वाले थे फाइनल्स, तो तब मैंने सोचने लग गया भाई कि भाई करें क्या अभी, क्योंकि स्कूल तक तो ऐसा होता ना, जो पेरेंट्स बोलते रहते हैं हम करते रहते हैं, उसके बाद हम ही डिसाइड करना था कि कहाँ कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करें या क्या करें, मतलब हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। तो मैंने सोचा भाई US चले जाते हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, तो वहाँ के मैंने कोर्सेज देखे ये सब करके। फिर मैंने देखा कि भाई PR वगैरह का क्या चक्कर है वहाँ पे। तो भाई पहली बात तो कोर्स बहुत महंगे वहाँ पे थी, कोर्स की फीस 32,000 US थी भाई। तो मैंने बोला भाई इतने तो पैसे नहीं है अपने पास, तो क्या करें। और US में ये होता है कि PR लेना भी आसान है भाई, अगर आप मतलब स्टेम कोर्सेज लोगे ना, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स के किसी फील्ड में, तो आपको 18 महीने का वर्क परमिट मिलता है। तो मैंने बोला भाई इसमें तो फ़ायदा नहीं, इतना पैसा भी लगा और उसके बाद PR का भी कुछ पता नहीं है, तो बाद में तो इंडिया वापस आना पड़ेगा, तो पैसा बर्बाद, राइट। तो फिर मेरा बाबा ये भी रिजेक्टेड है, तो उसके बाद क्या करें। फिर मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं शायद, तो फिर मैंने देखा भाई वहाँ पे तो मतलब गर्मी बहुत पड़ती है इंडिया जैसे, तो मैंने बोला नहीं यार ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते हैं। और फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई पंजाबी लोग तो कैनेडा जाते रहते हैं, तो कैनेडा का भी देख लेते क्या चक्कर है, इतने लोग तो जाते ही हैं। तो कैनेडा का मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, और तो मैंने देखा कि भाई कोर्सेज़ कौन कौन से ले सकते हैं और फीस कितनी है। तो मैं पहले में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता था कि बैचलर्स कर लेते इकनॉमिक्स में, तो पहले मैंने यूनिवर्सिटी में चेक किया, भाई फीस बहुत ज़्यादा थी, तो भाई फिर से वही प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने देखा भाई कि कॉलेज में देख लेते एक बार, तो कॉलेज में डिप्लोमा होता है, तो मैंने बोला भाई वही कर लेते हैं। तो क्योंकि उसकी फ़ीस थी $16,400 कैनेडियन, जो कि अराउंड पड़ती है अपने 9 लाख के करीब एक साल की। और तभी कैनेडा ने रूल भी चेंज किया था कि 2 सेमेस्टर की फ़ीस आपको एक ही साथ भरनी पड़ेगी, और कैनेडा में 2 सेमेस्टर को मतलब एक साल के इक्वल मानते, तो इसीलिए तो तभी रूल भी चेंज हो गया कि उसके पहले तो बस 1 सेमेस्टर की फ़ीस होती थी, जो कि मतलब इसकी हाफ हो गई, 4.5 लाख हो गई, तो फिर भी वो थोड़ा अफोर्डेबल लगता है। और तो फिर मैंने देखा कि भाई चलो देखते हैं। फिर मेरे पापा से बात की, पापा बोला चलो देखते हैं हो जाएगा, तो वो देखा। और उसके बाद मैंने देखा कि अगर PR हो सकती है कि नहीं वहाँ पर, क्योंकि अगर PR ही नहीं होगी तो फ़ायदे क्या है, और सारा पैसा तो बर्बाद ही हो गया। तो फिर मैंने PR रूल्स चेक किए, उसमें क्या था कि कैनेडा में अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हो, जैसे मतलब 8 सेमेस्टर, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, और आपको मतलब 3 महीने का टाइम देते हैं वो लोग कि वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। और तो 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, और उसके अंदर आपको मतलब कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है जो कि PR कैटेगरी में फॉल करती है, तो आपको PR मिल जाती है वो लोग 1-1.5 साल के अंदर उस काम के बाद। तो फिर मैं बोला भाई चलो सही है, 3 साल तो वैसे भी ज़्यादा है 18 महीने के एक मतलब देखा जाए तो। फिर मैंने सोचा कि चलो कनाडा चलते हैं। तो फिर मैंने सारे रूल्स पता किए, तो पहला रूल है कनाडा जाने के लिए कि आपके भाई 12th कंप्लीट होनी चाहिए और 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके पास IELTS होनी चाहिए। तो दोनों रिक्वायरमेंट जैसे आपकी पूरी होंगी तो आप मतलब स्टडी परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो फिर आप कोई भी जो आपको कॉलेज अच्छा लगता है, यूनिवर्सिटी अच्छा लगता है, तो आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन, और जैसे ही वो आपको एडमिशन देते हैं तो आपको ऑफर लेटर देते हैं कि हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया है और आप इतनी फीस है, और वो आप पे कर दिए। अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो सीट किसी और को दे देंगे, क्योंकि वो कर देंगे ना पे। तो फिर जैसे ही हमारे पास भाई वो फीस का लेटर आया कि 16,400 है, तो हमने वो भर दी 1-2 दिन के बाद ही। तो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर आपने फीस भर दी है, उसके बाद आपको GIC अकाउंट होता है कैनेडा में, जो कि $10,000 का होता है। तो हमने वो भी भरी $10,000। और उसमें क्या है कि पहले आप जाते हो ना, जैसे मान लें मैं दिसंबर में गया था, तो जनवरी में मुझे मिलेंगे जैसे मैं गया वहाँ पे $2,000, ताकि मैं अपना मतलब रेंट पे कोई हाउस ले पाऊँ और खाने वाने के। और हर महीने मतलब 600 कुछ डॉलर आपको मिलते रहते हैं 1 साल तक,
तो वो जो 10,000 है वो आपको ही मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ले लेता है आपसे। तो 16,400 है और 10,000, तो 26,000 डॉलर तो यही होगी भाई। और उसके बाद आपकी टिकट होगी ये सब और शॉपिंग वॉपिंग का खर्चा, तो इतना खर्चा आता है। और आपको कन्वर्ट करके मैं मतलब वीडियो में डाल दूंगा। अभी तो और भी बढ़ गया भाई, क्योंकि जब मैं गया था तब मतलब 52 से लेकिन 55 डॉलर के बीच में था रेट, मतलब रुपीज़ में, जो कैनेडियन डॉलर का था। और अभी तो 60 तक चला गया, तो अभी तो और भी महंगा हो गया कैनेडा जाने के लिए। तो मैं ऐसे करके भाई कैनेडा गया था, ऑटोवा में, जो कि कैनेडा की कैपिटल है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, वो सोचते कि टोरंटो होगी या वैंकूवर होगी। तो अगर आपका कोई और सवाल होगा तो भाई मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ कि कोई काम वाम कैसे ढूंढते हैं कैनेडा में, या मैंने रशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया, अपने भाई का किया था, वो भी गया था रशिया, वो मुझसे पहले गया था, मैं तो उससे भाई बहुत ही बाहर में गया हूँ। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं वीडियो बना दूँगा। तो ठीक है भाई, और सबका धन्यवाद भाई, सब लोग जो भी वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और इतना सपोर्ट करते हैं, तो सबको थैंक यू। और भाई मुझे पता है कि मेरे बाल थोड़े फनी से लग रहे हैं, मैंने मतलब कर्लिंग करवाई थी मुझे, और उसने बोला कि भाई बहुत अच्छे लगेंगे तेरे पे बाल में। ठीक है भाई, मुझे करवानी तो थी, तो इस बार ट्राई कर लेते हैं। और फिर मतलब 24 घंटे तक रख रहते हैं ऐसे बाल, मतलब वो डाल के, तो मेरा तो सिर दर्द करने लग गया मतलब 1-2 घंटे में। तो फिर भी मैंने मतलब थोड़ा सा बर्दाश्त करने की कोशिश की, 4-5 घंटे हो गए, फिर मेरे भाई अब तो नहीं हो रहा, ऐसे तो नींद नहीं आई मुझे। तो फिर मैं गया और उन्होंने खोल दिए, और फिर कुछ ऐसा दिखते हैं मेरे बाल। उसने बोला कि 4-5 दिन में खुल जाएंगे, पर वेट ही करो, मुझे 2-3 दिन तो हो ही गए, और इतनी बार तो हो गई फिर भी ठीक नहीं हुए। तो मुझे भी फनी से लग रहा है, तो क्या कर सकते भाई अभी। तो चलो इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, और अगर आपके कुछ और सवाल हो गए तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो बाय सबको।